Hello everyone, welcome to the new video lecture of mensuration. This is the last video which we have to discuss. इसमें हम लोग बात करने वाले हैं rhombus की, trapezium की और parallelogram की. तो first of all, अगर हम इन तीनों topics की बात करें तो ये two dimensional geometry का last का part है और बहुत less probability है कि यहाँ से questions frame किए जाएं. लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन topics को भी, क्योंकि questions frame हो सकते हैं. तो आइए start करते हैं अपने topic को रोम्बस से. जैसा कि आपको दिख रहा है कि रोम्बस का फिगर आपके सामने बना दिया गया है और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब कर दी गई हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रोम्बस. क्वाड्रिलेटरल बाउंडेड बाय फोर साइड्स हैविंग इक्वल साइड्स. हमारे पास इक्वल साइड्स होंगी जो आपको दिख रही हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने लिख रखा है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. चारों साइड्स इक्वल होती हैं. डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ये वो प्रॉपर्टी है जो रोम्बस को स्क्वायर से अलग करती है. अगर हम स्क्वायर की बात करें तो वहां पर भी चारों साइड्स इक्वल थी, लेकिन वहां पर डायगोनल्स भी इक्वल होती थी. लेकिन यहां अगर हम रोम्बस के केस की बात करें तो यहां डायगोनल्स अनइक्वल होती हैं. तो डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. एंड द लास्ट पॉइंट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंड अदर ऑब्ट्यूज. इट मीन्स कि ये जो पेयर हमको दिख रहा है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर, ये हो जाएगा एक्यूट और दूसरा हमारे पास हो जाएगा ऑप्टियूज. ये चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही वाला पेयर आपको ऑप्टियूज मिले या यही वाला पेयर आपको एक्यूट मिले. ये इंटरचेंजेबल है. एक पेयर इसमें एक्यूट होगा और दूसरा पेयर इसमें ऑप्टियूज कहलाएगा ऑपोजिट एंगल का. तो ये हमारे पास रोम्बस की प्रॉपर्टी थी जो हम लोगों ने देखा. तो द फर्स्ट वन इज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, द नेक्स्ट इज डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंड द नेक्स्ट वन इज ऑप्टियूज. नेक्स्ट पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है अबाउट रोम्बस इज द पेरीमीटर. वो पहला पार्ट हमारा पेरीमीटर का है. तो पेरीमीटर की अगर बात करें तो वी हैव पी इज इक्वल्स टू 4a बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल जस्ट सिमिलर टू द स्क्वायर. स्क्वायर में भी हमारे पास चार की चारों साइडें इक्वल होती थी, यहां पर भी चारों साइड्स इक्वल है. तो हम लोग यहां लिखेंगे पी इज इक्वल्स टू 4a. तो ये पेरीमीटर हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट एरिया. अगर हम एरिया की पार्ट की बात करें तो एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा, दैट फॉर्मूला इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब d1 इंटू d2. तो यहां पर हमारे पास डायगोनल्स अनइक्वल हैं, जो भी डायगोनल होगी उनके प्रोडक्ट का हाफ कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा एरिया. सो a इज इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2. ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रोम्बस से जो भी क्वेश्चन फ्रेम होगा वो इधर पैरामीटर और आपका एरिया से पूछा जाएगा. तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके हेल्प से, उन फिगर्स के हेल्प से आपको रोम्बस के क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलेंगे. तो टाइम सेव करने के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट रोम्बस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये पार्ट हमारा था रोम्बस का. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अगर हम बात ट्रेपेजियम की करें तो ट्रेपेजियम का फिगर आपके सामने मौजूद है और प्रॉपर्टीज भी लिस्ट अप कर दी गई हैं. तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपसे कहती है अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. एक पेयर अपोजिट साइड्स का जो होगा वो पैरेलल होगा. ब्रैकेट में लिखा है नॉन इक्वल. तो ये कंडीशन नेसेसरी है कि जब हमारे पास अपोजिट साइड्स जो होंगी, जो पैरेलल होंगी, दे आर नॉन इक्वल, वो आपस में इक्वल नहीं होगी. इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी बोलता है कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल. एक जो हमारे पास पेयर होगा अपोजिट साइड का वो नॉन पैरेलल होगा. और ब्रैकेट में लिखा है मे और मे नॉट बी इक्वल. वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो यहां पर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उसके बारे में अगर हम साइड की बात करें तो वो मे और मे नॉट बी इक्वल, वो इक्वल बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. लेकिन जब हम बात पैरेलल वाले की करेंगे, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो हमेशा नॉन इक्वल कहलाएगा. जिसको हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि यहां पर ए है और ये बी है, बोथ ए एंड बी आर अनइक्वल, तो जो पैरेलल होगी वो अनइक्वल होगी. जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो मे और मे नॉट बी इक्वल. तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज थी. यहां हम बात एरिया की करते हैं. देखिए एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा, दैट फॉर्मूला इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, द पैरेलल साइड्स आर ए एंड बी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो ये हमारे पास एरिया हो गया ट्रेपेजियम के लिए. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले पार्ट के लिए, पैरेललोग्राम की बात करते हैं. इफ टॉकिंग अबाउट द पैरेललोग्राम, तो यहां पर क्या है,
कि आपके पास पैरोग्राम की प्रॉपर्टीज लिस्टअप कर दी गई हैं। बोला गया है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड होगी वो इक्वल होगी और पैरेलल होगी। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो साइड है इक्वल और पैरेलल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ए और ए हमने डिनोट कर दिया। लाइकवाइज दूसरा पेयर अगर हम बात करें तो बी और बी, ये दिख रहा है आपको अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये जो बात थी वो साइड की थी। बात करते हैं एंगल्स के बारे में। स्टेटमेंट लिखा हुआ है वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज। एक पेयर पैरेलोग्राम का अपोजिट एंगल का एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। आइए देखते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल हमारे पास होगा दिस एंगल इज एक्यूट, ये पेयर आपको एक्यूट मिलेगा। लेकिन जब हम बात यहां पर करेंगे तो ये वाला जो पेयर हमको मिल रहा है वो पेयर हमको मिल रहा है ऑब्ट्यूज। तो ये एक पेयर एक्यूट हो जाएगा और दूसरा पेयर ऑब्ट्यूज हो जाएगा। लाइकवाइज जब आप यहां पर बात करेंगे पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। द फॉर्मूला सेज 2a प्लस b, इट इज जस्ट लाइक द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के तरीके से है, बस रेक्टेंगल में ये होता था कि वहां पर एडजेसेंट साइड के बीच में जो एंगल बनता था वो 90 डिग्री होता था। रेक्टेंगल विल बी लाइक दिस, ये इस तरीके से रेक्टेंगल था कि एंगल हमारे पास जो बन रहा था वो 90 डिग्री का बन रहा था। लेकिन पैरेलोग्राम में अगर हम बात करें तो एक पेयर एक्यूट बनेगा और दूसरा पेयर ऑब्ट्यूज बनेगा। तो यहां पर हमारे पास जिस तरीके से पेरीमीटर टू लेंथ प्लस ब्रेथ होती थी इन केस ऑफ रेक्टेंगल, उसी तरीके से यहां पर पैरेलोग्राम में टू लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह पर ए प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि हमने साइड्स को डिनोट किया है ए और बी से। नेक्स्ट आते हैं, इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द एरिया। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास अगला पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। एरिया इज इक्वल्स टू द फॉर्मूला इज, ये होता है बेस इंटू हाइट। ये समझ लीजिए, बेस इंटू हाइट का क्या मतलब है। बेस इंटू हाइट मीन्स कि जब हम यहाँ बेस की बात करते हैं तो बेस अगर आप इस वाली साइड को कंसिडर करते हैं तो इस वाली साइड को कंसिडर करने पर आप बेस की जगह पुट कर देंगे ए इंटू। लेकिन जब आप बात हाइट की करेंगे तो हाइट देखिए कि इस बेस के लिए परपेंडिकुलर कौन सी हाइट है। तो ये वाली हाइट आपको नजर आ रही है, ये जो हाइट होगी ये इस बेस के लिए आपको 90 डिग्री दिखाई पड़ रही है। तो जब आप बेस कंसिडर करेंगे ए तो उस कंडीशन में हमारे पास जो हाइट आएगी दैट विल बी एच वन। हम इस वाली हाइट को नाम दे देते हैं एच वन का। तो यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो एच वन है। तो हम लोग फॉर दिस बेस ए बेस के लिए हाइट जो हो जाएगी दैट विल बी एच वन, ये हमारे पास हाइट हो गई एच वन। लेकिन साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस वाले पैरेलोग्राम को इस बेस पे ना देख करके इस बेस पे देखते हैं कि अगर हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब हो गया कि अब ये पैरेलोग्राम कौन से बेस पे आ जाएगा, इट विल लाई ऑन अ बेस बी। अब बेस के जो लेंथ हो गया वो बी हो गया। इसका मतलब ये है कि यहां पर हम लोग अगर बेस की जगह बी पुट करते हैं तो इस वाले बेस के लिए बेटा जो हाइट होगी वो हाइट कौन सी होगी, दैट हाइट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारे पास दूसरी हाइट हो गई जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी रिप्रेजेंट इट बाय एच टू, और आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये दूसरी हाइट एच टू हो गई। तो यहां हाइट की जगह आप पुट कर सकते हैं एच टू। तो ये दोनों ही एरिया का फॉर्मूला है और इंपॉर्टेंट है, और इसका ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको चार चीजें नजर आ रही हैं। इन चार चीजों में आपसे कोई भी तीन चीज दे दी जाएगी और चौथी चीज आपसे पूछ ली जाएगी। तो यहां पर हमारे पास इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो ये पेरीमीटर हो गया एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम। तो ये हम लोगों ने तीन पॉइंट्स डिस्कस किए जिसमें आपने देखा कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, रोम्बस का पेरीमीटर क्या है, रोम्बस का एरिया क्या है। लाइकवाइज अगर हम बात करें ट्रेपेजियम की तो ट्रेपेजियम का आपने फिगर देखा, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आपने देखी और ट्रेपेजियम का आपने एरिया डिस्कस किया। हो सकता है कि आपके जहन में ये बात आ रही हो कि व्हाट अबाउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर इज जस्ट द सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स का सम होता है। ये साइड्स आपके पास गिवन है, फोर्थ जो साइड आपको फाइंड करनी है, रिमेंबर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसी की हेल्प से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ही यहां पर इस वाली साइड को निकालेंगे, और जब आपको ये वाली साइड मिल जाएगी देन यू हैव टू ऐड ऑल द फोर साइड्स। आप चारों साइड्स को ऐड कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। बट हाँ, इन केस ऑफ ट्रेपेजियम पेरीमीटर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला
नहीं होता है, इसलिए यहां पर मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट आते हैं, सिमिलरली हमने बात करी पैरलोग्राम की, पैरलोग्राम का फिगर आपके सामने, पैरलोग्राम की प्रॉपर्टीज आपके सामने लिस्टअप कर दी गई और हमने पेरीमीटर और एरिया को डिस्कस किया। दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट मेंसुरेशन 2D। ये आपका मेंसुरेशन 2D का पार्ट था जिसको हम लोगों ने वाइंड अप किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने मेंसुरेशन का अगला पार्ट विच इज अ 3D स्पेस, और उसमें हमारे पास जो भी टॉपिक्स थे दैट इज स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।